अजमेर में बारिश के चलते सड़कों की हालत जर्जर बनी हुई है। कई स्थानों पर गड्ढे लंबे समय से बने हुए हैं, लेकिन उन पर अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ऐसे में हादसों की आशंका बनी हुई है। इस संबंध में आज यूथ कांग्रेस की ओर से अनोखा प्रदर्शन करते हुए सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय से कलेक्ट्रेट तक गड्ढों पर कर किया और उस पर बीजेपी का विकास लिखकर अपना विरोध जाहिर किया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहित मल्होत्रा ने कहा कि बारिश से पहले भी गड्ढे बने हुए थे और बारिश के बाद उनकी स्थिति और खराब हो गई। इसे लेकर स्थानीय प्रशासन और जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई। जबकि देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य जनप्रतिनिधि आने पर सड़कों को तुरंत सही करवा दिया जाता है, लेकिन जनता के लिए किसी तरह की काम धरातल पर नजर नहीं आ रहे। इसके कारण 7 दिनों का समय दिया गया था, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि पिछले 3 दिनों से कोई बारिश नहीं हो रही, लगातार अलग अलग मार्गों से हालात खराब होने के समाचार सामने आ रहे हैं। कचहरी रोड पर तो एक महिला ने इन गड्ढों के कारण दम तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अगर इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो आगामी दिनों में यूथ कांग्रेस उग्र आंदोलन करते हुए प्रदर्शन करेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। यूथ कांग्रेस पिछले महीने भर से बहुत बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दे चुका है, अजमेर के गड्ढों के बारे में जानकारी दे चुका है, परंतु जिला प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा। अजमेर के अंदर गड्ढों की वजह से मौतें हो चुकी है, उसके बावजूद भी कोई सुध नहीं ले रहा है। अभी जब नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनको भी हमने पहले दिन ही ज्ञापन दे के बोला था कि 7 दिन का समय दिया जा रहा है, अजमेर के सारे गड्ढों पर कार्रवाई कराई जाए। जब कोई बड़ा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री शहर में आता है, तब कैसे 24 घंटे के अंदर पूरे शहर के अंदर पेचवर्क हो जाते हैं, कैसे पूरे शहर की सड़कें सुधर जाती है, परंतु आज महीनों हो गए हैं, सालों हो चुके हैं, परंतु अजमेर के गड्ढों का कोई सुध नहीं ले रहा। युवा कांग्रेस ने जो बीजेपी का विकास है वो दिखाया है रोडों पे लिखकर कि ये बीजेपी का विकास है, उसी विकास को हम लोग बता रहे हैं और जनता को भी उस गोलों पे हाईलाइट करके जनता को भी सतर्क कर रहे हैं कि यहाँ पे गड्ढे हैं, कृपया गाड़ी धीरे से चलाए जिससे कोई जनहानि नहीं हो सके। और युवा कांग्रेस ये विरोध प्रकट करती है कि अगर आगामी दिनों के अंदर जिला प्रशासन ने और बीजेपी के उच्च अधिकारियों ने मिलकर शहर की स्थिति नहीं सुधारी गई तो अजमेर युवा कांग्रेस उग्र प्रदर्शन करेगा, देवनानी का भी विरोध करेगा, जिला प्रशासन का विरोध करेगा, जिसकी समझ जिम्मेदारी अजमेर जिला प्रशासन की होगी। अभी हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज चौराहे से लेके कलेक्ट्रेट तक हम लोग जाएंगे, जितने भी शहर के गड्ढे हैं उनको हाईलाइट करेंगे, उनको मार्क करेंगे। और आज हम लोग सिर्फ सांकेतिक तरीके से सिर्फ गड्ढों को हाईलाइट कर रहे हैं, आगामी दिनों के अंदर अगर हमारी गड्ढों की पूर्ति शहर के विकास के लिए नहीं की गई तो युवा कांग्रेस और उग्र प्रदर्शन करेगी।